हेलो सो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपका ट्रिक टेक पे। अगर अभी तक आपने ट्रिक टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्टली सब्सक्राइब कर लो, टेक रिलेटेड वीडियोस आपको ट्रिक टेक पे मिलती रहेंगी। दोस्तों मोटो H40 के आने के बाद तो यूट्यूब पे जैसे उसके वीडियोस की बाढ़ आ गई है। आप जहाँ देखोगे मोटो H40 की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, लोग उसके वीडियोस के बिल्कुल उतावले हो रहे हैं, देखने को बिल्कुल उतावले हो रहे हैं। आज मैं आपको मोटो H40 के बारे में बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आपको कि उसको आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बिना प्रमोशन के। दोस्तों अगर हम मोटो H40 की डिजाइन की बात करें तो आपको उसके बैक साइड में एक हमारा जो ग्रीन वाला वेरिएंट है उसमें आपको बैक साइड में बैगन लेदर मिल जाता है। जो हमारा ब्लू वाला वेरिएंट है उसमें आपको बैक साइड में PPM में बैग मिल जाएगा, जो कि हमारा काफी लाइट वेट है। ओनली 177-174 ग्राम के बीच में हमारा आ जाता है मोटो H40, जिसमें आपको 5G का भी सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों बात करें मोटो H40 के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको मिल जाएगा MediaTek का Dimensity 8020 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसके में अगर हम अंततः स्कोर की बात करें तो 684,000 का अंततः स्कोर मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके स्टोरेज वेरियंट की बात करें तो 8GB 256GB स्टोरेज वेरियंट मिल जाएगा आपको। अगर गेमिंग की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही बढ़िया एंड स्मूथ गेमिंग करवाएगा मोटो H40। अगर हम मोटो H40 के डिस्प्ले के बारे में दोस्तों बात करें तो मोटो H40 में आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 144 रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि आपको 1208 की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि काफी बढ़िया एंड काफी ब्राइट हो जाता है हमारा। और इसमें POLED डिस्प्ले मिल जाएगा आपको, जो कि काफी वाइब्रेंट कलर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वही अगर हम इसके डिस्प्ले की साइज की बात करें तो आपको डिस्प्ले का साइज मिल जाएगा 6.55 इंच। अगर हम बात करें मोटो H40 की आंखें यानी कि कैमरे के बारे में तो इसमें आपको बैक साइड में 15 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाएगा, जिसमें OIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों। इसमें प्लस होरिजोन लॉक का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जो हमें GoPro और DSLR कैमराज में मिलते हैं, जो वो हमें मोटो H40 में देखने को मिलेगा, जिससे आप काफी बढ़िया फोटोज ले सकते हो और इस प्राइस रेंज में आपको काफी बढ़िया फोटोज ये प्रोवाइड करवाएगा। अगर हम मोटो H40 के बैटरी कंपार्टमेंट की बात करें तो आपको 4400 mAh का एक बैटरी मिल जाएगा, जिसमें आप अगर वायरलेसली चार्ज करना चाहो तो 15 वोल्ट के चार्जर से आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी बढ़िया है। और अगर आप वायर से चार्ज करना चाहो तो आपको मिल जाएगा 68 वोल्ट का चार्जर इन बॉक्स, जो कि आपका काफी फास्ट चार्ज करेगा। अगर हम बात करें इसके अदर स्पेसिफिकेशन की तो इसमें मिल जाएगा आपको सिंगल सिम, जो कि हमें एक सिंगल सिम और एक ई सिम का सपोर्ट मिलता है। प्लस इस प्राइस रेंज में हमें पहली बार IP रेटिंग, वो भी IP68 रेटिंग के साथ हमें फोन प्रोवाइड करवाया जाए। वो भी अगर दोस्तों हमें देखा जाए तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है। दोस्तों अगर आप लेना चाहो तो इस फोन को मस्टली ले सकते हो, इस प्राइस रेंज में आपको इससे बढ़िया फोन मुश्किल ही मिले। ऐसी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए ट्रिक टेक को सब्सक्राइब करके रख लेना।